दुनिया में हर अगले दिन गंदम की डिमांड बढ़ती जा रही है और अनलकीली गंदम की सप्लाई हर अगले दिन पहले से कम होती जा रही है। और जब ये क्राइसिस आएगा तो इससे अगला पूरा साल जो 2023 का साल है, ये पूरी दुनिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें आपको फूड प्राइसेस फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ पाकिस्तान के पास और गरीब मुल्कों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, वो ये है जो कल हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान इज़ एग्रेरियन कंट्री। हम सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया से रिजर्व गेन कर सकते हैं। हम सिर्फ, जिस तरह मैंने बताया, पूरी दुनिया में अगले साल किस चीज़ की शॉर्टेज होने जा रही है, फूड की, गंदम की। और गंदम पूरी दुनिया में प्रोडक्शन कम हो रही है और पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि हम गंदम को ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह? कि पाकिस्तानी फार्मर को थोड़ा एफिशिएंट करके। आपको शायद आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानी फार्मर कितना इनएफिशिएंट है। कल हमने इस पर वैसे थोड़ी बात की थी, लेकिन पाकिस्तानी फार्मर की इनएफिशिएंसी का अंदाज़ा इधर से लगा ले कि हमारा फार्मर एक साल में $2,000 की वैल्यू एडिशन करता है। सिंपल आसान अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फार्मर पूरा साल काम करता रहे तो उसकी जो वैल्यू एडिशन, जो आउटपुट है, दैट इज़ इक्वल टू ओनली $2,000, $2,000 की उसकी आउटकम है। अब आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में फार्मर की आउटपुट क्या है। जब हम ऑस्ट्रेलियन फार्मर को देखते हैं ना, तो एक ऑस्ट्रेलियन फार्मर एक साल में 98,000 की आउटपुट देता है। हमारा फार्मर कितने की देता है? $2,000 की। ऑस्ट्रेलियन फार्मर कितना देता है? $98,000 की। क्या आप इमेजिन करो, पाकिस्तानी फार्मर अगर 98,000 की आउटपुट देना शुरू कर दे साल की, क्या पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी हो कि पूरी दुनिया को हम गंदम की सप्लाई करके, और हमारे, यकीन करो, रिज़र्व इतने ज़्यादा हो जाए। अगर पाकिस्तान के रिज़र्व 484, हमारे रिज़र्व इस वक्त $10 बिलियन हैं। कितने? $10 बिलियन। अगर हमारे रिज़र्व $450 बिलियन हो जाए तो पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के बराबर हो सकती है। ये स्टेट बैंक ने कैलकुलेट करके दिया है कि अगर $484 बिलियन हमारे स्टेट बैंक में पड़े हों तो हमारा डॉलर हमारे रुपये के बराबर आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है अगर हम एग्रीकल्चर आउटपुट में फार्मर को प्रायोरिटाइज करें, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करें, एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करें, फार्मर को एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दें, फार्मर के लिए पॉलिसी बनाएं। अदरवाइज हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। एक चीज़ इसके साथ, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ। आप यंग लोग हैं, आपने आगे जाके मुल्क को भी संभालना है, आपके पास होना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में आउटपुट देते हैं, हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों को टेक्नोलॉजिस्ट बना रहे हैं। लेकिन जितनी एफर्ट हमें टेक्नोलॉजिस्ट को तैयार करने में लगती है, उसका सिर्फ 10% हम फार्मर पे इन्वेस्ट करें तो फार्मर की आउटपुट 5 गुना बढ़ सकती है। हमारा जो फार्मर जो भी आउटपुट दे रहा है, इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, इसको क्वालिटी सीड दे दो, इसको इन्वायरमेंट दे दो, इसको सस्ता तेल दे दो, इसको सस्ती बिजली दे दो, तो ये दुनिया का बेस्ट फार्मर बन के पूरी दुनिया को गंदम की सप्लाई, फूड की प्रोडक्शन, और हमारा जो कल क्या बताया था कि हमारा तकरीबन 40 से 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, सारा ट्रेड डेफिसिट खत्म हो सकता है सिर्फ हमारा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डिवेलप हो जाता है। लेकिन ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होने से पाकिस्तान में, ये देखिए, आराम से सुनिए, पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सारी महंगी हो जाती हैं, आपकी बेसिक नीड महंगी हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उस पर खर्चा बढ़ा, वो चीज़ें महंगी हो गई। दूसरे नंबर पर डीजल की कीमत बढ़ी। डीजल पाकिस्तान में दो जगहों पर इस्तेमाल होता है, एक इंडस्ट्री में और दूसरा एग्रीकल्चर में। जब इंडस्ट्री के भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के भी बढ़ेंगे, तो आपका क्या ख्याल है, इंडस्ट्री में जब डीजल बढ़ेगा तो क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी? कभी भी नहीं बढ़ेगी। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा पाकिस्तान में? तो इसलिए जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एक साइड पर। दूसरी साइड पर डीजल जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर जितना है ये डीजल पर डिपेंड करता है, और डीजल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो आपका क्या ख्याल है, अगले साल हमारी गंदम की पैदावार ज़्यादा होगी या कम होगी?
यकीनन कम होगी। जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ेगी या वो भी कम होगी? कम ही होगी ना। राइस की प्रोडक्शन भी बढ़ने की बजाय कम होगी। और जिस वक्त अगले साल हमारी राइस की प्रोडक्शन, गंदम की प्रोडक्शन, शुगर केन की प्रोडक्शन कम होगी तो चीनी भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, चावल भी महंगा होगा, फूड इन्फ्लेशन आएगा। तो इसलिए ये जो प्राइसेस हैं इसका एक साइड पे नहीं, दो साइड पे नहीं, ये पांच डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी को तबाह कर रहा है।